रहे अगर गे होना इतना बड़ा पाप है तो भगवान की दी हुई ये सब चीज़ है हमारी हिस्ट्री में ये सब चीज़ें मेंशन है अगर कोई अनपढ़ लोग हैं अनपढ़ लोग ही इन सब चीज़ों पे कमेंट करते हैं एक बार मेरे साथ मैं दिल्ली शूट से वापस आ रही थी तो मेरा शूट बस ख़त्म ही हुआ था उसके बाद थोड़ा लेट नाइट हो गया था तो कैब में आते हुए ड्राइवर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया मतलब आप खुद को मानते हैं कि आप खुद गे मतलब हैं हाँ तो गे कंसीडर करना इज़ नॉट एन बिग डील देखो मेरा तो प्रस्पेक्टिव ये है कि मेरे को तो लंदन जाना है मेरा पहले से ही है अच्छा आपको कि... इंडिया में नहीं रहना नहीं इंडिया में मेरे को नहीं रहना है नमस्कार मेरा नाम साहेब गुप्ता है और आप लाइव एक्सपोज देख रहे हैं आज हमारे साथ प्रतीक है जो कि एल LGBT... क्यू के मेम्बर हैं तो एल क्यू के ऊपर अपनी बात रखेंगे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में प्रतीक आपका थैंक यू थैंक यू सो मच एल जी क्यू है बहुत सारे जो आ, इंडिया के लोग हैं या इंडिया के बाहर के लोग है सपोर्ट नहीं करते एल जी क्यू का तरह तरह की बातें निकल के आती है तो आप क्या सोचते हैं एल क्यू के ऊपर मेरा सोचना मेरा मानना मैटर नहीं करता है देर आर लॉड ऑफ पीपल बहुत सारे लोग हैं जिनके सोच और जिनकी आ, जिनकी मानना मतलब मानना उनका और उनकी सोच मैटर करती है इसलिए क्योंकि एक इंसान होना और एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल होना ये बहुत डिफरेंट चीज़ है एक इंसान अपना प्रस्पेक्टिव रख दे वो अलग बात है और जो दूसरा मतलब अनदर मतलब अगर बात करें मेन पॉइंट पे आते हैं अगर बात करें कि अगर सौ लोग हैं तो सो के अलग अलग प्रस्पेक्टिव हैं अलग अलग माइंडसेट सेट तो बस ऐसा आपकी जो स्टाइल है जो आप जैसे कि मतलब आप नाकों में जो नाक के रिंग होती है उसको पहना पहना हुआ है थोड़ा तो सा बालों का कलर भी आपका अलग है कपड़े भी कपड़े के डिज जो डिजाइन है वो अलग है मतलब एक तरह से समझिए कि लड़की वाला थोड़ा सा डिज़ाइन है तो, तो आप तो 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 जब मार्केट में जाते होंगे कॉलेज जाते होंगे तो लोग देखते होंगे कुछ कमेंट वगैरह या ऐसा कभी आपको लगा या कभी फील हुआ देखो सबसे पहली बात तो ये सब चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं हम लोगों के पास ड्रेसिंग सेंस हम लोगों के पास स्टाइलिंग सेंस ये गॉड गिफ्टेड होता है सेकेंड थिंग ये कि जो लोग हमें कॉम्पीट नहीं कर सकते वो हमें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ से जलन होती है जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है अच्छा मतलब तो जलन होती है तो आपने कभी कॉलेज या कहीं फेस किया है कि मतलब कोई किसी को कुछ बोलते हुए या नहीं जैसा कि मैंने लोगों से सुना है मेरा बहुत रूड बिहेवियर है कॉलेज में लोगों के साथ तो लोगों की हिम्मत नहीं होती है मुझे कुछ बोलने की बट uh, कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने मतलब मैंने कई बार सुना है बहुत लोग मतलब पीछे से उल्टा सीधा कमेंट करते हैं इवन माँ बाप को पेरेंट्स तक को बीच में लेके आते हैं तो उनको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि उनके खुद के पेरेंट्स भी हैं इट्स नॉट लाइक दैट कि उनके पेरेंट्स को भी कोई ना कोई अगर तुम सोच रहे हो कि तुम ही इसके पेरेंट्स को बोल के और तुम कूल बनना चाह रहे हो वो सब चीज़ें बोल के तो इट्स नॉट लाइक दैट तुम्हारे पेरेंट्स को भी हम बोल सकते हैं लेकिन ये हमारे घर के दिए हुए संस्कार और हमारे एटिकेट्स हैं जो हमें चुप करते हैं मतलब आपके कहने का मतलब है कि हर किसी को या ट्रांसजेंडर हो गे हो मेल हो फीमेल हो सबकी इज्जत करनी चाहिए मतलब आप यही कहना चाहते ऑब्वियसली अगर कोई है तो उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए प्रॉपर रेस्पेक्ट अगर अगर तुम हो तुम स्ट्रेट हो तुम्हें कोई बायसनेस से नहीं देख रहा है जब तक तुम्हें कोई गलत नज़र से तुम स्ट्रेट हो हम तुम्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम हमें क्यों बोल रहे हो अगर गे होना इतना बड़ा पाप है तो भगवान की दी हुई ये सब चीज़ें हमारी हिस्ट्री में ये सब चीज़ें मैंशन है अगर कोई अनपढ़ लोग हैं अनपढ़ लोग ही इन सब चीज़ों पर कमेंट करते हैं अगर जो पढ़ा लिखा है कोई सिंसेयर है तो भाई वो उन सब चीज़ों को जाके अपने एंशंट हिस्ट्री को जाके सर्च करेगा वो इन सब चीज़ों के बारे में डेप्थ में पढ़ेगा उसके बाद वो जाके कोई कमेंट करने के सोचेगा जैसे कि मैं हूँ मैं कोई भी चीज़ बोलने से पहले मैं अपना लाइव एग्जाम्पल दूँगा क्योंकि जैसे कि मैं हूँ मुझे कोई भी चीज़ जब तक मुझे उसके बारे में पूरा आइडिया नहीं है नॉलेज नहीं है तो आई कॉन्ट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग दैट्स इट अच्छा कभी आप कहीं गए तो पीठ पीछे कोई कुछ बोलता है या कभी कोई टोक देता है या पीठ पीछे नहीं होता कि कुछ भी कुछ भी बोल देना तो ऐसा कभी फेस किया आपने ये चीज़ें फ़ेस करना एल के मेंबर्स की ही बात नहीं है ये स्ट्रेट लोग भी बहुत फ़ेस करते हैं आगे पीछे बोलना ये ये एक इट्स ह्यूमन नेचर अगर हम इन इतनी छोटी छोटी चीज़ों को ले बैठ जाएंगे तो फिर हमें लोग नहीं जीने देंगे और हम हम खुद ही नहीं जी पाएंगे अगर हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करेंगे तो ये चीज़ें हमें फिर जीने नहीं देंगी ये बहुत लाइफ में मुश्किलें हमारे लिए बढ़ा देंगी अच्छा आप मतलब सुप्री जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पे फैसला सुनाया था उसको इनकार कर दिया इनकार कर दिया था कि सेम सेक्स मैरिज जो है कि इंडिया में लागू नहीं होगा तो आप इस चीज़ को किस नजर से देखते हैं देखो मेरा तो प्रस्पेक्टिव ये है कि मेरे को तो लंडन जाना है मेरा पहले से ही है आपको इंडिया में नहीं रहना नहीं इंडिया में मेरे को नहीं रहना है बिकॉज कितना भी सेम सेक्स मैरिज आ जाए कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी और यहाँ मेंटालिटी चेंज करने के लिए दस से बीस साल और चाहिए यहाँ के इम्प्रूवमेंट में कम से कम 10 से 20 साल क्योंकि हमारी खुद की जनरेशन में अगर इतना इतनी चीज़ें हैं इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है इतनी चीज़ों को लेके बहुत अवेयरनेस नहीं है तो अभी तो हम हमारी जनरेशन को देख लो वो हमारी जनरेशन से आगे वाली जनरेशन को वैसा ही नॉलेज देंगे जैसा उनके पास है मे बी वो आने वाली जनरेशन में थोड़ा डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन हमारी जनरेशन में देर आर लॉड ऑफ पीपल दोज हुआ आव मिस रिगार्डिंग एल जी बी लिखी हुआ है अच्छा कभी मतलब आपने कुछ ऐसा फेस किया हो कभी किसी ने ऐसा बोल दिया हो कि बाद में आपको बहुत गिल्टी फेस हुआ हो आपको रोना धोना आ गया हो बहुत आपने मतलब तो गिल्टी फील किया हो कभी ऐसा कुछ हुआ हाँ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनमें मुझे गिल्टी तो नहीं फील हुआ है क्योंकि गिल्ट मैं सोच समझ के पहले बोलता हूँ और सेकंड थिंग ये कि आ, ये सब चीज़ें देखो नॉर्मल है ये हमारे ही साथ अगर हम इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करते रहेंगे एल जी बी नहीं ये स्ट्रेट लोगों के साथ भी होता है और रो रोते स्ट्रेट लोग भी हैं ऐसा नहीं है एल के मेम्बर्स ही नहीं रोते हैं रोते स्ट्रेट लोग भी हैं प्रॉब्लम्स स्ट्रेट लोगों की लाइफ में भी हैं हम लोगों की लाइफ में नहीं है लेकिन वो प्रॉब्लम्स टेन परसेंट ज़्यादा हम लोगों की लाइफ में है रादर देन स्ट्रेट पीपल और वो टेन परसेंट क्या है नॉन कोऑपरेटिव नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग अच्छा आप आ, सोसाइटी में सेफ मतलब आप खुद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि जब आप निकलते होंगे तो बहुत सारे लोग अलग नज़रों से देखते होंगे हाँ मैं अपने आप को बहुत सेफ़ समझते हूँ क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जब तक हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं सामने वाला बंदा हमें कुछ नहीं बोल सकता है और हम अगर छोटी छोटी रास्ते में अगर कोई आते जाते या फिर कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उन सब चीज़ों पे हमें ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें फोकस करना है और हम उससे वहीं लड़ने लग जाएंगे वो उसका नेचर है हमारा जो नेचर है हमारे घर वालों ने हमें जो परवरिश दी है उस परवरिश को हमें दिखाना है हम अगर किसी से कोई हमें सामने से बदतमीजी कर रहा है हम उससे बदतमीजी करेंगे दिस इज नॉट राइट थिंग और सेकेंड ये कि ये स्ट्रेट लोगों के लिए भी है अगर कोई तुम्हें कुछ भी बोलता है को, कोई मोटी लड़की होती है मोटी लड़कियों पर कमेंट किए जाते हैं पतली ज़्यादा पतली होती है तो उस पतली लड़कियों पर कमेंट किए जाते हैं तो मतलब वही है लड़का फ़ैशन कर ले लड़कियां फ़ैशन करे लड़कियां मेकअप करें तो इट्स ट्रू लड़का फैशन कर ले लड़का मेकअप कर ले तो दैट्स नॉट ट्रू अच्छा आपने कहा कि आप लंदन मतलब जाना चाहते इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते इंडिया मैंने वही चीज़ आपको बताया कि इंडिया के लोगों की सोच अभी बीस मतलब साल पीछे आप लंदन इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं उनकी सोच अच्छी नहीं है नहीं नहीं मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है लंदन से तो मेरा बेसिकली वहाँ की एजुकेशन सिस्टम वहाँ का जो मतलब माय सिबलिंग ब्रदर इज़ आल्सो देयर नॉट सिबलिंग कजन कजन ब्रदर इज आल्सो देयर तो इसलिए जाना है। तो मतलब करियर अपना जो है कि लंदन मेरे को अपने करियर के लिए जाना है मेरे को मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है क्योंकि मैं खुद चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ और मैं लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करूँ अच्छा लोग आ, पढ़ाई करने के बाद मतलब करियर सेट हो जाने के बाद शादी विवाह करते हैं तो आपने आगे क्या सोचा है मतलब मुझे शादी नहीं करनी है बिकॉज आई एम अगे एंड ये मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगी लेकिन आई वुड से कि अगर गे हैं तो गे तो गे से ही शादी हो सकती थी लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो इट्स नॉट पॉसिबल इन इंडिया बट वी कैन लेव टुगेदर लाइक अभी अगर तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन है तो तुम साथ में रह सकते अच्छा मतलब आप खुद को मानते हैं कि आप खुद गे मतलब हैं हाँ तो गे कंसीडर करना इज नॉट एन बिग डील अच्छा आज के डेट में हर कोई रिलेशन में होता है हर कोई एक दूसरे को प्रपोज करता है मतलब सीधे कहने का मतलब है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो आपका ऐसा कुछ है कि नहीं मतलब आपने आपको कोई पसंद आया या प्रपोज करने से क्या मतलब है मतलब जैसे आज के डेट में एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है फिर रिलेशन में आता है तो आप ऐसा मतलब करना चाहते हैं या किसी को किए हैं या आपको कोई किया है आप ये मुझसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं पहले तो मुझे ये बताएं कहने का मतलब थिंग ये कि गे होना बहुत बेसिक चीज़ है इन सब चीज़ों के बारे में सबको अवेयरनेस होनी चाहिए अच्छा आप एल जी बी क्यू से हैं तो सरकार से आपकी क्या मांग है आप क्या कहना चाहते हैं और क्या आपके पक्ष में कोई ऐसा कानून बने या आप क्या चाहते सरकार से क्या चाहते हैं सरकार से कुछ नहीं सरकार से तो हमारी कोई डिमांड्स नहीं है क्योंकि हमें इक्वालिटी चाहिए हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए सेकंड थिंग ये कि हमें जो हमारी इंडियन uh, सोसाइटी है हमें उससे एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमें रेस्पेक्ट कर सकते हैं mm. हम सबको नहीं बोलते हैं कि तुम हमें सपोर्ट करो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग सपोर्ट फ्रॉम एवरी बट वी एटलीस्ट कैन एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरी वन अच्छा लास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट या कुछ ऐसा बताना चाहिए उसके बाद हम वीडियो को इंटरव्यू को समाप्त कर देंगे मेरा आ, कोई ऐसा इंसिडेंट वैसे खास नहीं हुआ है लेकिन एक बार मेरे साथ मैं डेली शूट से वापस आ रही थी तो मेरा शूट बस ख़त्म ही हुआ था उसके बाद थोड़ा लेट नाइट हो गया था तो कैब में आते हुए ड्राइवर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया उसी टाइम मैंने आ, कैब मतलब उबर में कंप्लेन कर दिया था ऐसा कोई ज़्यादा बड़ा मेरे साथ आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट टच वुड नहीं हुआ है अच्छा आप किस तरह की सूट पे जाते हैं मतलब अ मॉडल हम प्रोफेशनल मॉडल अच्छा चलिए इतने मतलब अच्छे तरीके से बात रखने के लिए और बेबाकी से बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद